बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर सत्ता पक्ष समेत विपक्ष तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में नीमच से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां से वे जावरा और पिपलौदा क्षेत्र के ग्रामीण मतदाताओं को साधने में लगे। इस दौरान प्रत्याशी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आदिवासियों को पार्टी की नीतियों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 30 लाख नौकरियां देगी, सीपीएस व्यवस्था समाप्त करेंगे और डोडा चूरा में संशोधन किया जाएगा, प्रत्येक परिवार को पट्टा मिलेगा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, जैसे तमाम वादों में उन्हें अवगत कराया गया है। आपको बता दें कि चौथे चरण में 13 मई को 96 संसदीय सीटों पर मतदान होना है। नहीं मिल पाया आज बेरोजगारी, निश्चित रूप से आज देखे कि मोदी ने 2 करोड़ लोगों रोजगार प्रतिवर्ष की गारंटी दी थी, परंतु अभी तक युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। आज बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है, तो हम चाहेंगे कि ऐसी कार्य योजना बने जिससे हमारे युवा लोगों को रोजगार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी नौकरियां के पद भरे जाएंगे, युवा लोगों के स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा और ऐसी कई योजनाएं युवा लोगों के लिए जिससे उनको रोजगार मिले और उनकी बेरोजगारी समाप्त। निश्चित रूप से आज देखें।